स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर द वैरियर में। और आप देख रहे हैं सरा 744 ST सोनाटिका चैलेंजर रोटावेटर के साथ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इसमें समरसेबल से पानी भरा गया है। नमी होने के कारण बहुत जल्दी पानी भर गया है इसमें, लगभग 2-2.5 घंटे में ही भर गया है। लगभग 15 बिछुआ खेत है और अभी इसकी रोटावेटर से जुताई हो रही है। जुताई के बाद इसको लगभग 2 दिनों के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब मिट्टी इसकी बढ़िया सड़ जाएगी उसके बाद फिर से जुताई करके इसमें धान की रोपाई कर दी जाएगी। अभी ये 1400 RPM में चल रहा है, लो के तीसरे गियर पे। बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले इसमें एक एक बार कल्टीवेटर जोता गया था, अब इसमें रोटावेटर से जोत के एक बार ही छोड़ दिया जाएगा। भारत में इधर उत्तर भारत में मानसून लगभग आ गया है। धूप काफ़ी दिनों से बहुत तेज़ नहीं हुई है, ना धूप खुल रही है, बादल रहते हैं और इसी तरह बूंदाबांदी हुआ करती है। अच्छा मानसून रहता है तो किसानों के लिए अच्छा रहता है, धान की रोपाई के लिए बहुत ज़्यादा बिजली का खर्च नहीं लगता। नहीं तो अगर धूप रहती है तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है जिससे बिजली खर्च बहुत बढ़ जाता है। देखिए स्वराज की परफॉर्मेंस कैसी बेहतरीन निकल के आ रही है। बिल्कुल मिट्टी को गला दे रहा है, एकदम से फूली हुई मिट्टी है। बहुत ही अच्छा खेत बन करके तैयार हो जाएगा धान रोपाई के लिए।